आईना हर घर का एक जरूरी हिस्सा है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां आईना न हो। जितना जरूरी आईना हमारे लिए है, हमारे चेहरे के लिए है और हमारे घर के लिए है, उतना ही जरूरी हमारे घर के भाग्य के लिए भी है। आईना हमारे घर के भाग्य में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। तो चलिए एक टिप्स आज आईने के साथ शेयर करते हैं। आईना लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आईना घर के उत्तर या पूर्वी दीवार में ही लगाइएगा, किसी भी और दीवार में आईना मत लगाइएगा। इसका कारण ये है कि आईना आप जहाँ भी लगाते हैं आपको वो एरिया बड़ा लगता है, क्योंकि आईने पे सामने का प्रतिबिंब आता है, इससे वो एरिया बहुत बड़ा लगने लगता है। और बड़ा हमेशा उत्तर और पूर्व को ही किया जाता है, दक्षिण पश्चिम को बड़ा नहीं किया जाता। इसलिए अगर आईना उत्तर या पूर्व के अलावा किसी भी और दिशा में करते हैं तो वो एरिया दोषपूर्ण हो जाता है। कभी कभी बहुत सकरा एरिया या बहुत गलियारा टाइप है जो कि बहुत अंधेरा लगता है, उस जगह को बड़ा दिखाने के लिए भी आईने का प्रयोग किया जाता है। उस अवस्था में भी उत्तर या पूर्व दीवार में ही आईना लगाना चाहिए। डाइनिंग रूम में यानी भोजन कक्ष में अगर डाइनिंग टेबल के ठीक सामने दीवार पर शीशा लगाते हैं जिस पर खाने का प्रतिबिंब पड़ता हो, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये खाने के दोगुने होने का एहसास दिलाता है। अगर आप डाइनिंग टेबल के ठीक सामने शीशा लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन शीशा लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे घरों में किचन कम डाइनिंग रूम होता है। जहाँ किचन है वहीं पे डाइनिंग का व्यवस्था होता है। टेबल अगर गैस चूल्हे के बिल्कुल सामने है तो उसके ऊपर शीशा प्लीज़ ना लगाएं, क्योंकि शीशे पे अगर खाने का प्रतिबिंब पड़ रहा है ये तो बहुत शुभ है, लेकिन शीशे पे यदि गैस के चूल्हे का प्रतिबिंब पड़े तो वो उतना ही खराब है। वो बहुत ही गलत होता है अगर गैस चूल्हे का प्रतिबिंब पड़ जाए शीशे पे, इससे किसी भी तरह के आग से दुर्घटना होने का डर होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी दीवार नहीं है जो कि डाइनिंग टेबल के सामने लगाते हैं और गैस का प्रतिबिंब भी ना आए, तो भले ही आप मत लगाइए शीशा, लेकिन लगाइए तो उसमें सिर्फ खाने का ही प्रतिबिंब हो, भोजन ही दिखाई दे, गैस न दिखाई दे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले टिप के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।